वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है डीजे के सिंह और आप देख रहे हैं एक एफएल मोबाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी गाने का ट्रैक कैसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो ट्रैक आप बनाएंगे उस ट्रैक पर आप अच्छी तरीके से गाना भी गा सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी में, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं यही बता, तो आप जिस भी गाने का ट्रैक बनाना है उस गाने को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले उस गाने का आपको यहाँ पर ले लेना है एफएल स्टूडियो में। तो मैं एफएल स्टूडियो ओपन कर लिया हूँ, तो उसके लेने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और ऑडियो क्लिप पे, ठीक है। और आप लोगों को पता नहीं कैसे गाने को रखा जाता है एफएल स्टूडियो में, कैसे लाया जाता है, मतलब इसके अंदर कैसे ऐड किया जाता है, तो उसके लिए वीडियो मैंने बनाया है। उसका प्ले लिस्ट का आपको, सभी वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके लिए हमको गाने को लेने के लिए, मतलब जिस गाने पर हम ट्रैक बनाने हैं उसके लिए माई फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा होगा ऑडियो फाइल, ठीक है। तो ऑडियो फाइल में इससे मैं कोई भी एक गाना मैं ले लेता हूँ जिस गाने पर मुझे ट्रैक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से इस गाने को मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस गाने को ले लिया, अब इस गाने का हमको बीपीएम चेक करना है, ठीक है। जब तक हम यहाँ पर बीपीएम लिखा हुआ है, और यहाँ पर जब तक हम बीपीएम नहीं सेट करेंगे, और सेट करने के लिए सबसे पहले तो इस गाने का बीपीएम चेक करना होगा कि इस गाने का बीपीएम कितना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का नाम है क्रॉस डीजे। तो इस क्रॉस डीजे को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। तो क्रॉस डीजे जब आप उनकी ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आए क्रॉस डीजे ओपन होगा, और उसके बाद से गाने को सिलेक्ट करना है जो गाने हमने वहाँ पर लिया था। उस गाने को लेने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थ्री लाइन पर, उसके बाद से एक्सप्लोर फाइल, उसके बाद से आपको एफएल म्यूजर फाइल के अंदर चले जाना है, यानी जहाँ पर भी आपके गाना रखे होंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा एफएल म्यूजर फाइल, और यहाँ पर ऑडियो फाइल, और जो गाना हमने वहाँ पर लिया है उसी गाने को हमको चेक करना है बीपीएम, यानी स्पीड कितना है उसका। तो गाना यहाँ पर होगा मेरा, ये रहा गाना। इस गाने को मैंने यहाँ पर लोड कर लिया। लोड करने के बाद से आप देख सकते हैं कि इस गाने का बीपीएम कुछ इतना बताएगा, देखिए यहाँ पर मतलब बता रहा है केवल 77, ठीक है। तो इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका डबल करने का। डबल करने के लिए आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर को ले ले, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेटर यहाँ पर आ गया, तो 77 है, तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं काट देता हूँ सभी को, चलिए सॉरी ये तो पूरा कट गया। तो फिर से कैलकुलेटर को लेंगे और हम यहाँ से इन सभी को हटा देंगे। अब हटाने के लिए क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ से गलती से हो जा रहा है। चलिए मैं अब डायरेक्ट कैलकुलेटर अपना ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कटने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब दे रहा है, देखिए यहाँ पर इसको हटाएंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जितना वहाँ पर था 77 इतना था, उसके बाद से यहाँ पर प्लस का आइकन देंगे और फिर से 77 हो गया, यानी इसका जो बीपीएम है उस गाने का, यानी इस गाने को डबल कर देना है जो बीपीएम दिया है। तो इसका बीपीएम हो गया 54, 154। तो उतना आपको एफएल स्टूडियो को ओपन करके, ये ओपन हो गया, यहाँ से हम कट कर देते हैं, यहाँ पर उतना हम सेट कर देंगे 5-4। चलिए इस गाने का बीपीएम कुछ इतना मैंने सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका हम बेस लाइन मैच कराएंगे, ठीक है। तो बेस लाइन मैच कराने के लिए देखिए यहाँ पर सुनेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर हमारा पहला बेस गिर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मैच कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर हम काट देंगे, और जो कोने पर आपको चुम्मू का एक आइकन दिखाया है सफ़ेद का, उसको ऑन करेंगे, और यहाँ पर 2 नंबर पर आपको यहाँ पर लाकर इसको सेट कर देना है। फिर से मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ, और फिर से इसके पर क्लिक करके फिर से ऑन करूँगा, और कुछ इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे,
कि हमारा जो भी हम पैटर्न बनाएं, पैटर्न जो भी बनाएंगे हम यहीं से बनाएंगे। तो चलिए हमारा ये क्या हुआ, बिट मैच हो गया, अब इसको लंबा कर देंगे। आप सुनिए, अब हो गया। अब इस क्या करना है हमको, अब हमको पैटर्न बनाना है इस गाने का, ठीक है। तो पैटर्न कैसे बनाएंगे, पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड म्यूजिक हटाएंगे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से जाएंगे, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सफ़ेद के आइकन पर, और उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे पहले प्रामा EQ और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लो कट 200, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और ये हो गया, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिक EQ, और इसको गिरा देंगे, इसको इसको फिर से लेंगे दोबारा ग्राफिक EQ, इस पर गिरा देंगे, इसको गिरा देंगे, और इसको थोड़ा सा इधर लेंगे और थोड़ा इधर लेंगे। अब हमारा क्या हुआ, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी तरीके से हट चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब बनाएंगे क्या, अब बनाएंगे हम इसका पैटर्न। तो कैसे बनाएंगे इस पर देखिए, ध्यान से दीजिए। अब ट्रैक का पैटर्न कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम कुछ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर क्या डफ बोला जाता है, नीचे होगा, इसको लेंगे। अब इसको लेने के बाद से इसको हम अच्छी तरीके से बैठाएंगे। तो बैठाने के लिए एक यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए दो बार में होता है, तो इसको छोटा करेंगे, इधर से खींचेंगे ना तो ये छोटा हो जाएगा इतना। अब देखिए, अब इस जो गाना है, इस गाने का थोड़ा साउंड हम कम कर देंगे। तो ये रहा हमारा, पहले सुन लेते हैं, पहले प्ले करेंगे। चलिए इसको मैंने 7 माइनस तक रखा है गाने को, एट सेवन तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कुछ अलग तरीके से डालेंगे, यानी अलग पैटर्न बनाएंगे। तो उसके लिए फिर प्लस कहेंगे पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ड्रम्स है तो एक ड्रम्स लेंगे, और इसके अंदर हम सैंपल्स लोड कर लेंगे। तो चलिए सैंपल्स लेने के लोड करने के लिए टी पर क्लिक करके रखेंगे, और लोड सैंपल पर जाएंगे, और जहाँ पर भी आपने सैंपल रखा है आप यहाँ से सैंपल ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैंने कुछ सैंपल्स ले लेता हूँ, इसको ले लेना है, और जो भी मैं सैंपल ले रहा हूँ, इस हुक्स को लिया और इस ढोल को ले लेता हूँ, इसको भी ले रहा हूँ, क्लोन करते करते। किक को ले लेंगे, किक को लेने के बाद से एक ढोल लेंगे, ध्यान से देखिए, कोई भी ढोल आप ले लीजिए, इसको भी ले सकते हैं, एक और मेरा ढोल है तो उसको भी लेते हैं। जो भी आपको ढोल लगाना है वो आप लगा लीजिए, ठीक है, ढोल का कोई ज़रूरी नहीं कि मैं, मतलब मैं जो लगाऊंगा वही आप लगा सकते हैं, हर ट्रिक में अलग तरीके से लगाइएगा। मैं आपको सिंपली एक दिखाता हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं। इसको मैंने ले लिया, अब हमारा समझिए कि पूरे के पूरे इसमें सिस्टम आ चुके हैं। सिंपली एक चीज़ बाकी है, वो है हीट हैट्स। तो हीट हैट्स हम यहाँ से लेंगे। सबसे बड़ी बात आती है कि सैंपल्स लोड करने में ज़्यादा समय लगता है, इसको मैंने ले लिया। अब समझिए ये हमारा बन चुका है पैटर्न। अब पैटर्न कैसे बनाएंगे, यानी मतलब सभी सैंपल्स ले लिए, पैटर्न बनाने के लिए ड्रम से हो चुका है। अब इसके नीचे हम ये चीज़ लगाएंगे, पहले घुंघरू लगा लेते हैं। चलिए यहाँ से मैंने एक घुंघरू को ले लिया, 4 स्टेप करेंगे जैसे हम किक लगाते हैं। साउंड थोड़ा इसका हम कम कर देंगे इस किक का। अब क्या करेंगे, ये लगाएंगे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, देखिए, और ये रहा हुक्स, यानी कुछ इस प्रकार से मैंने लगा दिया वाटर ड्रॉप को। अब सुनिए कैसे बजता है, अच्छा नहीं बज रहा है, ठीक है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। अब इसको लगा कर देखते हैं,
ठीक है, ये ठीक है, तो इसको नहीं लगाएंगे, इसको हटा देते हैं, इसको लगाएंगे। चलिए अब हो गया, अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे आगे तक, जहाँ तक मतलब ये इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ से हमारा, सुना दे रहा हूँ मैं, यहाँ से मेरा पैटर्न फास्ट पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से कुछ हम ब्रेक टाइप से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कुछ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इतना काट देना है, हाफ काटना है आपको। या यही भी आप अगर लगाने चाहते तो इसको भी लगा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप लंबा कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें कुछ अलग लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा मतलब अच्छा लगता है देखने में हर चीज़ में। तो चलिए एक थोड़ा सा ब्रेक टाइप का कुछ लगा देते हैं, तो चलिए यहाँ से ब्रेक में जाएंगे। इसको देखते हैं लग जाता है तो कैसा लगता है। चलिए ये हो गया, अब यहाँ पर लगा कर देखते हैं। ठीक है, कॉपी, और इसको क्लोन कर देंगे, थोड़ा मजबूती आ जाएगा पैटर्न में। इसको थोड़ा यहाँ पर लगाकर इसको इधर से काट देंगे, छोटा कर देंगे। देखिए अब छोटा हो गया। अब लगाएंगे हम अपना मेन जो पैटर्न होता है वो हम बनाएंगे, तो उसके लिए एक ड्रम से ले लिए हमने, और यहाँ पर हमने किक को लगाएंगे 4 स्टेप, हुक्स को लगा देंगे, ढोल को लगा देंगे 4 स्टेप, और ये रहा हिट हैट्स जो हमने किसी इस प्रकार से लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया। अब देखिए ये हमारा पैटर्न हो चुका है, अब इसको कॉपी करेंगे, अब जहाँ तक चलेगा इसको हम लेते जाएंगे। इतना अच्छा नहीं लग रहा है, देखते हैं यहाँ पर कुछ। अच्छा तो चल रहा है, अब इसी को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ भी आप लगा सकते हैं दूसरा भी, जैसे कि अगर इसको भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे कि ट्रैक का कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि अलग तरीके से, जैसे तो जो गाना है ये ओरिजिनल म्यूजिक है, तो वो म्यूजिक कंपोजिंग कुछ अलग तरीके से किया गया, तो कुछ आप अलग करेंगे तो सही रहेगा, इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अब गाने को काटेंगे, यहाँ से हमको काटना है पहले सॉन्ग को, तो इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस का आइकन में क्लिक करेंगे और ऊपर वाला ये है, तो इसको काटेंगे तो ये गाना यहाँ से हमारा कट जाएगा, और इसको फिर चिपका देंगे। ठीक है, अब देखें, अब देखिए कहाँ से हमको फिर से काटना है। अभी हमको यहाँ से काटना है, तो काटने के लिए फिर से वही अपनाएंगे, इधर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने क्लिक किया, कट हो गया। अब देखेंगे फिर से यहाँ से कट करना है, तो इस प्रकार से काट देंगे, तो देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए आगे देखेंगे कहाँ, इस प्रकार से आप काट कर सकते हैं। चलिए अब आगे तक देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ से हम कुछ इतना कॉपी कर लेते हैं। इसको हटा देंगे, इसको भी आप यूज करना चाहते तो कर सकते हैं, या दूसरा भी आप पैटर्न लगाना चाहते, इसको भी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं दोस्तों, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए इसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, इधर इसमें देखिए यहाँ से,
तो इसको यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर एडिट है, इसको यहाँ पर ये किक लगा देंगे। अब सुनिए, देखिए यहाँ पर कुछ अलग चल रहा है। तो ये ब्रेक हमने लगाया था, इसको कॉपी करेंगे और देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने पेस्ट किया। तो देखिए इसको लंबा नहीं, इधर से लंबा कर देंगे, इसको इधर लगा देंगे, वहाँ से यहाँ काट देंगे। अब वही पैटर्न हमारा यहाँ से चलने लगा है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कोई हम एक ढोल लगाएंगे, जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से गिर रहा है, तो कैसे लगाएंगे, इस एडिट पर जाएंगे, इसको लगा देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से कि यहाँ पर आएगा। देखिए कैसा हो गया, वही है। इसके अंदर मैंने दो एक किक को हटा देंगे ये वाला। अब देखिए अब इसमें हमने जो आवाज डाला है ये वाला, उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लोन कर लीजिए, यहाँ पर क्लोन कर दीजिएगा ना, तो इस प्रकार से आपका सही रहेगा, इसमें म्यूजिक रहेगा। नीचे वाले में म्यूजिक मैंने यहाँ पर रख दिया, और देखिए यहाँ पर हमने इसको हटाया, इसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कट करेंगे। चलिए यहाँ से मैंने क्या किया, कट कर दिया, फिर से कट करेंगे, कहाँ से देखेंगे कहाँ से रहेगा, सॉरी यार, इसको मैंने इसको यहाँ से सॉरी बैक कर देते हैं। चलिए फिर से देखेंगे कहाँ से हमको कटना है। अब यहाँ पर हम पैटर्न ब्रेक लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो हमारे जो ये फर्स्ट वाला है यही भी काम कर जाएगा। कॉपी करेंगे, पेज लंबा कर देंगे। आप सुनिए, अब यहाँ पर हमने ब्रेक लगाना है तो ढोल का यूज करेंगे। तो हमने जो ढोल लगाया था ये वाला, इधर नहीं, यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो उस प्रकार से यहाँ पर हम लगाएंगे। तो चलिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर देखते हैं। ठीक है गया। अब क्या करेंगे, अब इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको दो तीन स्टेप में बता दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये वाटर ड्रॉप लगा देंगे, ये वाला। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना सकते हैं। और फिर मैं अगले वीडियो में आप लोग को इसी पर बताऊंगा कि आप कैसे आगे मतलब इसका आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगला वीडियो आने के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो तब के लिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।